Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. So hi guys, what's up and welcome back JK Editing. तो आगे न्यू वीडियो के साथ आज हम न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिट करने वाले. तो आपने प्रीव्यू तो देखा होगा, तो इसके जैसा हम स्टेटस वीडियो को एडिट करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपने वीडियो पर जो भी पासवर्ड लगाए मटेरियल पर, वो पासवर्ड आपको दो बार बताए गए हैं. पहले पासवर्ड में आपको पासवर्ड और दो स्टार है, और उस स्टार की जगह आपको दो पासवर्ड और बाद में बताए जाएंगे, इसलिए टोटली चार पासवर्ड. तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करना और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे वीडियो में. तो सबसे पहले आपको जो ये सॉन्ग है, इस सॉन्ग पे आपको बीट मार्क भी मिलेंगी. तो अलाइट मोशन ऐप में इसको प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है. तो यहाँ पर मैं इसको कुछ टाइप कर लेता हूँ बीट मार्क, तो यहाँ पर हो गया. उसके बाद ये अपना बीट मार्क इस सॉन्ग पे लगा हुआ है. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना, और जो बैकग्राउंड का फोटो उसको सेलेक्ट करना है. तो बैकग्राउंड फोटो को हम सेलेक्ट करेंगे पहले. तो जैसे कि यहाँ पर फिलहाल में इस वाले फोटो को हम बैकग्राउंड बना लेते हैं. फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे. फिल कंपोजिशन एरिया करने के बाद हम इस फोटो पर क्लिक करके इसको जो बैकग्राउंड को एंड कर लेंगे. फिर से इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, और इस पर आपको इफेक्ट लगाना है जो गॉसियन ब्लर है, इस इफेक्ट का नाम है. तो इस पर हमें कुछ इतना कर लेना. उसके बाद फिर से मोर ट्रांसफर में इससे जो भी इसको रिसाइज कर लेंगे, ताकि साइड में जो भी बॉर्डर में वाइट आ रहा है उसको वो डिलीट हो जाएगा. तो इतना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड करना है. तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, और एक फ़ोटोज़ को हम जो भी अपना रखना चाहते हैं स्क्रीन के अंदर, उन फ़ोटोज़ को हम सेलेक्ट करेंगे. तो फिलहाल मैं इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया. उसके बाद फिर से हम इस जो भी फ़ोटो है इसको हम ऐड कर लेते हैं. यहाँ पर करने के बाद प्लस पे क्लिक करके और ये वाला आपको सेव सेलेक्ट कर लेना. इस पर आपको दोबारा क्लिक करना है और इसको एंड कर लेना है. एंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो भी सेव पर क्लिक करना है, और इसको हमें यहाँ पर मूव ट्रांसफर में थर्ड वाला ऑप्शन पे इसको रिसाइज कर लेना. तो कुछ इतना करने के बाद हम यहाँ पर साइज हाइट को बढ़ाएंगे, तो कुछ इतनी हाइट रख लेते हैं. फिर से आपको यहाँ पर इस पर जो भी हमने सेव ऐड किया इस पर क्लिक करना है. एडिट सेव पर क्लिक करके रिड्यूस को हम कम कर लेंगे, यहाँ पर 50 या 40 के आसपास कर लेना, ताकि अच्छा लग सके. उसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्री ऑप्शन के जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है. तो इन दोनों को हम ग्रुप बना देंगे. फिर से एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, और अपने फ़ोटो पर क्लिक करना है. इसको हमें यहाँ पर जो इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है, और थोड़ा सा स्वाइप करके, तो यहाँ पर इतना ही फ़ोटो है, तो हमने रिसाइज हो गया. उसके बाद हम फिर से यहाँ पर इस ग्रुप पर क्लिक करना है. बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करेंगे, एड बॉर्डर पर क्लिक करना है आउटसाइड पर करके, और जो भी कलर रखना चाहो वो रख लेना. और यहाँ पर इसके 20 के आसपास कर लेना है आपको. 50 कर लोगे तो भी अच्छा है, या 20 रखोगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा. उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो पर दोबारा क्लिक करना है. शेडो को हम डालेंगे, और यहाँ पर पोजिशन को एक्स को कर लेंगे हम 10, और वाई को कर लेंगे 10 से ज़्यादा ही रखना है, और ब्लर रिड्यूस को थोड़ा सा बढ़ा लेना. तो यहाँ तक हो गया. तो इतना करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, जो भी हमने बैक चलाना है इफेक्ट पर क्लिक करना है. इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर का जो भी, तो यहाँ पर ये म्यूजिक प्लेयर है जो भी हमने, इसको आपको यहाँ पर जो इफेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, तो इसको आपको वहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना. पेस्ट करने के फिर से आपको बैक चलाना, इफेक्ट बाय पे क्लिक करना है. तो यहाँ पर इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपको मिलेगा ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट है, तो इसको हमें कॉपी लेयर कर देना है. कॉपी लेयर करने के बाद फिर से हम यहाँ पर अपने बीट मार्क के जो भी वीडियो है उसके ऊपर आपको यहाँ पर इसको पेस्ट लेयर कर देना. पेस्ट लेयर करने के बाद क्या करना है, इसको हमें स्क्रॉलिंग करके यहाँ पर जो भी अपना बैकग्राउंड है उससे ऊपर रखना है, सिर्फ इतना ही. तो क्या है कि ये जो अपना वीडियो है उसके जो यहाँ पर जो ऊपर फोटो लगा उसके नीचे चला जाएगा. उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क पे एक बीट मार्क मिलेगी, इस पर क्लिक करना है. ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है. एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, और एक्सपोजर गामा ये वाला इफेक्ट है जो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है. तो सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दे देना है, और फिर से आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन, और फिर से प्लस का आइकन. उसके बाद हम इनको 2 कर लेंगे. एक्सपोजर गामा को आपको 2 कर लेना है, जो बीच वाली लेयर उस पर, जैसे कि फिलहाल इस वाले भी कर लेते हैं. एक प्लस का आइकन दे दें, फिर से प्लस का आइकन, फिर से प्लस का आइकन. उसके बाद हम इसको 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी जो भी बीट मार के उसके अंदर सभी में आपको ऐसे ही कर लेना है.
तो अपना सॉन्ग बन जाएगा स्पेशली, और इसको भी आपको टू कर लेना है। तो ऐसे सभी बीट मार्क में आप कर लेना, फिलहाल मैं इतने में ही कर रहा हूँ और आपको यहाँ तक अच्छा लग जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि अपना जो भी एक इसके अंदर इफेक्ट लगाया था, यहाँ पर बैक चलाएंगे, इफेक्ट बाय जैकी एडिटिंग पे क्लिक करना आपको, और तो यहाँ से इफेक्ट में से आपको एक ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको दोबारा बीट मार्क पे इसको ग्रुप एंड मास्क के उस पे ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लिया, तो अपना वीडियो बनके रेडी हो चुका है। आज के लिए इतना था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।